जो आप बात कर रहे हैं ना, जो ये नोटबंदी के दौरान हम किसी को बता रहे हैं, अब वो हम तो तब आज भी कह रहे हैं कि जब नोटबंदी हुई तो लोगों को अचानक एक प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन उस प्रॉब्लम में जो उद्देश्य था वो बहुत बड़ा था। पूरा हुआ उद्देश्य? उद्देश्य पूरा हुआ। इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार के अपॉइंट किए हुए, उनकी सम्मति से आए और फिर गए गवर्नर उर्जित पटेल या फिर देश का वित्त मंत्रालय, नोटबंदी के जो घोषित लक्ष्य थे उनको लेकर कोई भी देश के सामने आज तक स्पष्ट आंकड़े नहीं रखे गए हैं। सारे अर्थशास्त्री कहते हैं इससे जीडीपी को हिट मिलेगा, हिट मिला। देश की जीडीपी पिछले दो दशक में सबसे कम है ग्रोथ रेट। अगर नोटबंदी, एक्चुअली वो नोटबंदी तो थी नहीं, क्या था फिर? नोट बदली था। उसी को तो नोटबंदी कहते हैं कि जो नोट है वो नहीं चलेंगे, लेकिन उसको दे दीजिए दूसरे मिल जाएंगे, बाद दूसरे मिल जाएंगे। हाँ, तो ये नोट बदली था। नोटबंदी तो इसको गलत ढंग से कह दिया गया। नोटबंदी परफेक्ट वर्ड नहीं है उस अभियान के लिए, नोट बदली अभियान था। नोट बदली, लेकिन जो जिनका नोट ही गलत था, जिनके नोट का कोई हिसाब किताब ही नहीं, काला धन था, उनके लिए तो समस्या थी। जिनका नोट असली था उनको समस्या थी, हमको लाइन में खड़ा होना पड़ा। पर वो छोटी समस्या थी, जैसे मुझे समस्या नहीं हुई कोई, हमारे पास है ही नहीं काला धन। अब ये बताइए कि चार दिन आपको खड़ा होना पड़ा नोट बदलने के लिए, तो आप इतना परेशान हो गए, और शाहीन बाग में 41 दिन से खड़े हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो शाहीन बाग के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को दिक्कत हुई? इसी प्रवृत्ति के लोगों को दिक्कत हुई। अच्छा, वो एक प्रवृत्ति थी। और मैंने वीडियो, लेकिन जो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इससे देश की जो इकोनॉमी है उसको बड़ा हिट मिला है, मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि 2% का हिट मिलेगा, तब लोगों ने कहा ऐसे करें, लेकिन अब तो वो 2% से ज़्यादा का हिट आ गया। इस देश में 13 करोड़ घरों में टॉयलेट बन गए जी। पैसा कहाँ से आया? 9.5 करोड़ घरों में फ्री गैस कनेक्शन चला गया, पैसा कहाँ से आया? 5 लाख रुपए का इस देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया का फ्री इलाज मिलने लगा, आयुष्मान भारत। इसी जितने बचे हुए गांव थे, हर जगह बिजली का खंभा, बिजली का तार खिंच गया, कोई भी गांव बिजली से अछूता नहीं। सौभाग्य योजना, अटल ग्राम ज्योति योजना, लोगों के घर घर में बल्ब, हमने LED बल्ब देने लगे। ये सारी चीज़ों के बीच हम किसानों को 6,000 रुपया सालाना उनके अकाउंट में देने लगे। हमने व्यापारियों को 60 साल होने पर उनको 3,500 का पेंशन देने लगे। हम लोग जो भी GST भरता है उसको 10 लाख रुपए का जीवन बीमा देने लगे। ये सब नहीं हो पाता अगर ये नोटबंदी या नोट बदली, जिसको हम कहते हैं, नहीं हुआ होता। आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो सुविचारित और प्रख्यात सुप्रचारित कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका पैसा नोटबंदी के पैसे से आया? उससे बहुत फायदा हुआ है। कोई अर्थशास्त्री नहीं बता पा रहा है क्या फायदा हुआ? वो अर्थशास्त्री को छोड़िए, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर ये GDP क्यों गिर गई इतनी? GDP का गिरना उरना कई और चीजों पे है, महंगाई का इंडेक्स, GDP, RBI से पैसा लेना पड़ रहा है, LIC अपने NPA के मामले में पिछले 6 साल में सबसे बॉटम पर है। देखिए, अभी भी खुद मोदी जी ने कारोबारियों से कहा, तारीफ मत करिए, खुलकर आलोचना करिए, सही सही फीडबैक दीजिए। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। पर GDP? हाँ ठीक है, लेकिन पूरे विश्व की GDP गई है। गीता गोपीनाथन ने बोला है कि 80% जो डेंट लगा है वो तो इंडिया की इकोनॉमी की वजह से लगा। पूरे विश्व का, विश्व का, पूरा विश्व मंदी के दौर में है, और पूरे विश्व की अपेक्षा भारत टिका हुआ है। सौरभ जी, हम इसको वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक स्तर पे समझना चाहिए। हमारी इंटरनल पॉलिसीज का कोई लेना देना नहीं? नहीं नहीं है ना, हमारी इंटरनल पॉलिसीज आज इतनी मजबूत हुई है। हम अच्छी चीजों को बंद, हमने मनरेगा बंद किया कांग्रेस के समय शुरू हुआ ना, हमने नहीं बंद किया। वो तो मोदी जी ने लोकसभा में भी कहा था इसको जिंदा रखेंगे। ठीक है, लेकिन आज एक सबसे बड़ी जो चोट पहुंची है आतंकवाद पे जी,
क्या उसको ये देश के अर्थशास्त्री लोग नहीं देखेंगे? नोटबंदी से आतंकवाद को चोट पहुंची है, भयानक चोट ये कहा गया था, लेकिन उसके बाद के जो आंकड़े आते हैं वो इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, और वो आंकड़े केंद्रीय एजेंसीज के रिलीज किए हुए हैं, चाहे वो नक्सल एरियाज के हों चाहे वो कश्मीर के हों। जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को नोट संस्कृति में उसको खड़ा किया जाता था, वो नोट जैसे ही वो बंद हुआ, उसके कारण विदेशी जो नकली नोट आते थे उसकी बंदी हुई, उसके कारण ड्रग माफियाओं एक फैसले से सारी बीमारियों का इलाज, उनकी सारी चीज वहीं धरी की, बदल कहां सकते थे, वो किस बैंक में जाते? पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8% एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना जी, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। 0.2% का आंकड़ा तो देखिए कितना होता है। हमारी इकोनॉमी जो है वो 57,000 करोड़ की है, उसमें 0.2% सोचिए तो कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी रकम है। तो आतंकवाद को चोट पहुंची नोटबंदी से, आतंकवाद को चोट ऐसी पहुंची कि जो पत्थर फेंकते थे वही जाके पंचायती चुनाव में वोट देने लगे। पंचायत का चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, विधानसभा चुनाव कब करवा रहे हैं? दिल्ली के बाद हमें से लगता है कि हो जाना चाहिए।